मेहनत नाल कोशिश नाल अल्लाह दी मेहरबानी दे नाल तफासीर अहादीस उन्हां विचों हीरे ते मोती तलाश करके और जनाब दी खिदमत अंदर लैके आया और बयान करना आज दा खुतबा। हम क्रिसमस डे क्यों नहीं मनाते? क्यों जी? लोग सवाल करते ने, तुहानू ईसाई पुछते ने कि तुसी साड़ियाँ खुशियां अंदर शरीक क्यों नहीं होंदे, लेकिन बहुत सारे लोग ने जिहड़े उन्हां दीआं खुशियां च शरीक हो के अपनी आखरत बर्बाद कर लैंदे ने। अल्लाह दे फजल नाल सानू अल्लाह ने तौफीकां अता फरमाईआं कि असी अल्लाह रसूल दे अहकाम दे मुताबिक चलने आ। तवज्जो फरमाना, अल्लाह करीम ने जमीन और आसमान पूरी कायनात और पूरिया मखलूकात नू तखलीक फरमाया, सारे निज़ाम दा खालिक, सारे निज़ामा दा खालिक मालिक कल्ला अल्लाह ही। ना कोई बनाण दे विच कोई शरीक है, ना इना अल्लाह दी बादशाही दे अंदर कोई शरीक है। मालिकुल मुल्क जदों कल्ला ही सब कुछ बनाने वाला पैदा करने वाला इस निज़ाम नू, इतने बड़े निज़ाम नू कि इंसान ते इंसान सारी कायनात दियाँ सारिया मखलूकों दियाँ सोचा उत्थे ख़त्म हो जान ते अल्लाह दे निज़ामा दी इब्तदा शुरू इब्तदा हुंदी है। और बड़े बड़े निज़ाम एक निज़ाम शमसी अगर इनू वेख लिया जाए मुहतात अंदाजे दे मुताबक साइंसदान अंदाज़ा ही लगा सकते ने। सही बात तो अल्लाह सोना ही जानता है कि यह जिहड़ी जमीन है जिस जमीन दे उत्ते असीं रहिंदे आ इहदे विच वी यानी चौथा हिस्सा या इस तो भी घट खुशकी जिवें मैं दस्या सी हां जी पिछले तो पिछले जुमे अंदर, तो ये इतनी एक खुशकी बहुत थोड़ी है, तरी ज़्यादा है। ये पूरी जमीन तरियाँ तो खुशकियाँ समेत और एदा एक दो दस गुणा हज़ार गुणा नहीं लख गुणा नहीं दस लख गुणा यह जड़ा सूरज नज़र आ रहा है ये सूरज दस लख साड़ी जमीन तो वड्डा है। दस लख गुणा तो इहो जे निज़ाम शमसी के अंदर अरबां दे ते खरबां दे हिसाब नाल कहकशावां दे अंदर सूरज मौजूद ने, कहक अरबां खरबां दे हिसाब नाल। तो ये निज़ाम शमसी है, एवें नहीं आखण वाले ने आख्या सी सितारों से आगे जहां और भी है जी। इतने जहान अल्लाह दे थोड़ा जिहा जिहड़ा सानू नज़र आंदा है यही किधरे हिसाब विच नहीं आंदा। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। तो फिर अल्लाह सब कुछ बनाने वाला है, ये निज़ाम नू चलाने वाला और इंसाना नू पैदा करने वाला, इंसाना दी हदायत वास्ते मालिकुल मुल्क ने कानून बनाए डिसिप्लिन बनाए। किसी मुल्क अंदर चले जाओ तुसी पाकिस्तान दे कानून तोड़न वाले आदि होए होंदे, उत्थे सब तो ज़्यादा जुर्माने भी तुहानू ही होंदे ने। फैन फैन कहिंदे ने वो एडा वड्डा मुखालफा हुंदा है, छे महीने बंदा मजदूरी करके एक मुखालफा पूरा कर सकता है तो दिमाग ठिकाने आ जाता है। फिर कानून ते अमल कहे जी मैंने पता ही नहीं सी, पता बसा वह कह लगे पता करना सी ना साढ़े मुल्क अंदर आने तो पहले पता करना सी कानून है कि क्यों जी। तो फिर अल्लाह दे अल्लाह की बादशाहत अंदर अल्लाह की हकूमत अंदर रह के रब के कानून नू बंदा जाने तो समझे ही ना है जी। तो फिर तो मुखालफे तो ठुकने ठुकने ना, लेकिन अल्लाह रहमान है दुनिया चला किसी नू बतौरे सदा दूसरों की इबरत वास्ते पूछ लैंदा है, वरना यह दारुल हिसाब नहीं दारुल अमल है। दुनिया जिहड़ी दारुल अमल है हिसाब अगे होएगा, इत्थे खुलियां छुट्टियां क्यों जी इत्थे, क्योंकि रहमान है ना अल्लाह रहमान है। जे रब नू गाला कढ़न वाले अल्लाह ने उन्हां दा रिज़्क भी बंद नहीं किया, अल्लाह ने उन्हां दी नींद की जिहड़ी नेमत अता फरमाई वह भी नहीं खोई क्यों जी। सौंदे भी ने, खांदे पींदे भी ने, सेहत भी दित्ती है, सारा कुछ फिर, लेकिन यह दुनिया रहमान दुनिया च रहीम है जिहड़ा मोमना वास्ते होएगा, फिर रहमान वाली बात उत्थे खत्म हो जानी है। इस वास्ते मेरे प्यारे वीर हम क्रिसमस डे क्यों नहीं मनाते, जरा तवज्जो फरमाना। जिस अल्लाह ने सारा निजाम, मेरी तमहीद का मकसद यह है, सारा निजाम बनाया पैदा किया चला रहा है, तो फिर वो बनाए हुए कानून के मुताबिक सानू चलना चाहिए ना। तो फिर अल्लाह ने दोस्ती और दुश्मनी का मेयार मुकर्रर फरमाया, दोस्ती भी अल्लाह वास्ते दुश्मनी भी किसी नाल। आहा सुभान अल्लाह, ये रब दा कानून है। दोस्ती, मोहब्बत, प्यार
अकीदत किसे नाल ताल्लुकात वेखो कि अल्लाह ने इजाजत दिती है। अगर नहीं इजाजत तो किसे नाल हैं जी अल्लाह ने जिहदे नाल बोध रखे है जिहदा जिहदा ना जिहदा अल्लाह दुश्मन है जिहड़ा अल्लाह का दुश्मन है तो अल्लाह भी उहदा दुश्मन है। तो फिर अल्लाह के दुश्मनों के नाल कोई बंदा प्यार करे तो फिर कवे अल्लाह सोना बड़ा गफूर रहीम है, ये उहदी गलत फहमी है। क्यों जी उहनूं समझ ही नहीं किसे बात की। अल्लाह ने मियार मुकर्र फरमाए ने सोनिया मेरे और तुहाडे प्यारे महबूब पैगंबर हजरत मुहम्मद, फिर कह दो एक बार लुत्फ आ जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे तेरे प्यारे महबूब पैगंबर ने फरमाया सोने मियार ये मुकर फरमाया अल हुब्बु लिल्लाह और वल बुग्ज़ु लिल्लाह, यानी मोहब्बत भी अल्लाह वास्ते किसे नाल बुग्ज़ ते वो भी अल्लाह वास्ते, यानी जड़ा अल्लाह नू चंगा नहीं लगता वो मोमिन ते मुसलमान भी चंगा नहीं लगता। ये तो सीधी सीधी बात है, जेड़ा जेड़ा अल्लाह नू गालां कढ़े ते मुसलमान उनू कल दा दिन जो आ रहा है जी गिफ्ट खलावे उनू जनाब तोहफे देवे, क्यों जी मुबारकबादां दे कार्ड खले टेलीफोन करे मुबारकबाद पेश करे। सोनिया अल्लाह दे दुश्मन नाल प्यार दियां पींगां ए रब दा बागी होण दे जनाब ए रब दा बागी होण दे मुतरादफे, रब दा बागी बनेगा जिथे जिहदे नाल अल्लाह दे दुश्मन नाल तू प्यार करना है, जेड़ा ठिकाना ओदा होएगा ओही ठिकाना तेरा होएगा। याद रख लै तेरिया नमाजा तेरा मुसलमान होना तेनू अल्लाह दे अज़ाब तो नहीं बचा सकेगा। कल दा दिन जो आ रहा है कई लोगों ने एडवांस ही जनाब मुबारक भी दे छड़िया बिरादरी नू, जेड़ी बिरादरी क्रिसमस डे इहदा माना की बनता है मैं दसिया सी पिछे जुमा पिछले साल एहो जे दिनां च मैं पढ़ाया सी जुमा, उस जुमे दे अंदर मैं अर्ज कीता सी हकीक क्रिसमस डे की हकीकत, उहदे च मेरे दलायल अलग सन। क्रिसमस डे दी हकीकत अंदर मैं दसिया सी इहदा माना है कि अल्लाह ने बेटा जना, अल्लाहु अकबर अली, रब नू गाल है रब दी औलाद ठहराणा की है रब नू गाल है, तो रब नू गालां कढ़न वालिआं दे नाल तू भी उही क्रिसमस डे मुबारक हो, यानी रब नू गालां कढ़नियां तेनू मुबारक होण, इहदा माना इह बणदा है। तो माने का पता ही नहीं किसे नू, बड़े फिरदे बड़े चैंपियन बड़े हाजी बड़े नमाजी लोगों वास्ते विखाण वास्ते हज किए विखाण वास्ते इस्लाम कबूल किया लोगों विखाण वास्ते कभी नमाज पढ़ लेनी है जनाजा शरीक हो जाना है जी। ये सियासतदान सब तो ज़्यादा डुबे हुए इन्हों परवाह तक नहीं होंगी कि जनाब हर जगह से हर जगह से टुरे जाते हैं, तो कई मौलवी भी सियासी बन गए और रब दे हैं जी नबी दे दुश्मन जड़े मुरतद ने, अल्लाह अपने दुश्मनों नू बर्दाश्त कर लैंदा। नबी दा दुश्मन जड़ा एक बारी दीन कबूल करके मुरतद हो जाए कादियानी मुरतद ने ते उन्हां नाल ही प्यार दियां पींगा पींगा पाण वाले ओ जाहिल ते पाण ही पाण, जड़ा मौलवी सदा के दुनिया जानदा इमामुल जोहला होवे उन्हां नाल प्यार दियां पींगा पावे, ये इस्लाम दा हैं जी कोई तरीका नहीं। ना दिल अंदर ईमान की बात है ना तो ना कोई इलम और अमल की बात है, बिल्कुल कोरा है बंदा साफ ही हो। इस वास्ते मेरे प्यारे भाइयों सुनो अल्लाह करीम ने फरमाया मेरे महबूब इन्हां नूं मियार बतला दो मेरे नाल, यानी मोहब्बत और प्यार और दोस्ती ते नफरत दा मियार की है जिहदे नाल मैं प्यार करां ते मोमिन बंदा भी उहदे नाल प्यार करेगा। जिहड़ा मेरा दुश्मन है जेड़ा मेरा दुश्मन है मोमिन ते मुसलमान दा भी दुश्मन है, ये माना है अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग्ज़ु फिल्लाह, यानी अल्लाह दे बारे दे अंदर बुगद अल्लाह दे मामले दे अंदर मोहब्बत भी अल्लाह वास्ते, सब तो ज्यादा मोहब्बत अपने रब खालिक ते मालिक वास्ते, सब तो ज्यादा मोहब्बत किदे नाल करनी है गल्ला पॉइंट याद कर दे जाओ। और दूसरे नंबर ते अल्लाह तो बाद अंबिया दे नाल सारे नबियां नाल मोहब्बत असी करने आ ना सारे नबियां नाल, जिवें नबियां दे इमाम दा गुस्ताख वाजिबुल कतल है ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दी तौहीन करन वाला भी वाजिबुल
ਐ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਯਾਨੀ ਅੰਬੀਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅੰਬੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਾਬਾਂ ਦੇ ਜੇ ਸਹਾਬਾ ਸਹਾਬਾ ਵਾ ਸਹਾਬਾ ਇਤਨੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣੇ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾਇਆ ਅਗਰ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੋਣੇ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾਇਆ ਅਗਰ ਉਹ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਕਰਵਟਾ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਆਦਤ ਏਡੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਏ ਉਹ ਕਰਵਟਾ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤਜਾਫਾ ਜੁਨੂਬਹੁਮ ਅਨਿਲ ਮਜਾਜੀ ਯਦਉਨਾ ਰੱਬਹੁਮ अपने अल्लाह नू पुकार देने यदउना रब्बहुम अपने अल्लाह नू पुकार देने सुत्या प्या भी करवटा बदल दिया होया भी उना दा अंदाज़े खौफां वतमा अल्लाह कोलो डरदे भी ने अल्लाह दी रहमत दी उम्मीद भी रखदे ने इस वास्ते इन लोगां दी सिफतां अल्लाह ने कलामे पाक अंदर बयान फरमाइया जगह जगह ते अल्लाह ने इन्हां नू उलाइका हुम المتقون وی آکھیا اے اولائک هم المفلحون وی آکھیا اے اولائک هم الراشدون وی آکھیا اے جگہ بجگہ اللہ نے انہاں دیاں کامیابیاں دے اعلان فرمائے اللہ کے لوگ کامیاب لوگو کامیاب انہاں دے اندر انعامات تقسیم ہو چکے تقریب انعامات انہاں دی ہو چکی ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਅਦਾ ਜਨਾਬ ਹਾਂਜੀ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੋਹਣਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਏਡਾ ਸਖਤ ਏ ਇਹ ਇਨਾਮ ਕੋਈ ਖੋ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਰਾ ਏਡਾ ਸਖਤ ਏ ਇਨਾਮ ਕੋਈ ਖੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖੋ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਤਨੇ ਇਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਦੂਸਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਵੇਂ ਮਕਾਮ ਆਲਾ ਮੁਹੱਬਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਲਾ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਸਹਾਬਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਬਈਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਤਾਬਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬਾ ਤਾਬਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਾ ਤਾਬਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਮਾ ਕਰਾਮ ਨਾਲ ਆਇਮਾ ਕਰਾਮ ਫਿਰ ਮੁਹੱਦਸੀਨ ਆ ਗਏ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਆ ਗਏ ਸੋਹਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰਹੀ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੰਨਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਸੰਗ ਸਾਥ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੇਗਾ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵਮਨ ਯੁਤਿ ਅੱਲਾ ਵਰਸੂਲਾ ਫਉਲਾਇਕਾ ਮਅਲਜ਼ੀਨਾ ਅਨਅਮ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿਮ ਮਿਨਨ ਨਬੀਜੀਨ ਕਿਉਂ ਜੀ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੰਨਤ ਅੰਦਰ ਕਾ ਹਾਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯੌਮ ਅਲ ਕਿਆਮਾ ਇਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਅਲਵ ਕਾਫਿਲੁਲ ਯਤੀ ਫਿਲ ਜੰਨਤ ਹਕਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਔਰ
यतीम दी कफालत करने वाला हा कजा, इधर वेखो हा कजा इंज मेरे नाल होएगा। मेरे नबी ने सहाबा ने मेरे नबी दे उंगलियां दे आपस अंदर वक्फे नूं ए बयान फरमाया। आहा कितनी कितनी गल नोट करने वाले अल्लाह नूं तां ही ते प्यारे लगदे ने। इवें जनाब मेरे नबी दे सहाबा अर्ज करदे ने सोने ने इंज उंगलियां कीतियां, दोवां उंगलियां दे दरम्यान शहादत वाली उंगली और जनाब वुस्ता उंगली ते सब आबा इन्हां दे दरमियान मेरे नबी ने थोड़ा जा फासला रखिया है, फासला रखे मेरे नबी ने। सुभान अल्लाह। इस वास्ते मेरे प्यारे वीर उलमा नाल मोहब्बत, अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह अल्लाह, एदे बाद तमाम मोमिनीन ते मुसलमाना नाल मोहब्बत, मुसलमाना नाल मोहब्बत कर। सोनिया रब दे बागियां दे नाल, अल्लाह नूं बुरा कहने वालियां दे नाल, रब दे नाल शरीक ठहराने वालियां मुशरिकीन दे नाल तू मोहब्बत दियां पींगा पाना है। इसे वास्ते ते तेरी वैल्यू खत्म हो गई, तू रब नालों ताल्लुक तोड़ लिया ते अल्लाह दे दुश्मना नाल ताल्लुक जोड़ लिया। इसे वास्ते रसवाई तेरा मुकद्दर बन गई मुसलमान। इधर वेखना जरा हुण गौर नाल बात नूं सुणदे आ चला जाना। एवें तनी अर्श वाले फरमाया सूरह अनफाल अंदर अल्लाह करीम ने, यानी 12 तो बाद 12 नंबर ऐत दा नंबर है, यानी 12 नंबर ऐत दे अंदर अल्लाह करीम ने फरमाया इज यूहा। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया जदों वही कीती जांदी है या एक मुकाम ते अल्लाह करीम ने इंज भी मेरे नबी नु मुखातिब करके फरमाया इज यूही रब्बुका इन्नी फाजीवा। अल्लाह ने कमाला ही कर दिया सोने, अल्लाह फरमाते ने इज यूही रब्बुका इलल मलाइका अन्नी معاكم। जदों अल्लाह वही फरमा रहे सन फरिश्तियां वल, सोने महबूब पैगंबर जदों तेरे रब ने, तेरा रब जिस वक्त वही कर रहा सी रब्बू का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिब का, तेरा रब सोने महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तेरा रब वही कर रहा था फरिश्तों की तरफ, यानी अन्नी माकुम जिनके साथ मैं था, अल्लाह कहता है जिनके साथ मैं था, कुम 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 वो हो तुम। तर्जमा मीज बनता है क्यों जी, तुसी ते सो ना वही कर रहा था सोने तेरा रब फरिश्तों की तरफ। और फरमाया अल्लाह कहते ने कोई दे अंदर शक नहीं, मां को मैं एक बारी दसिया सी अन्ना ते इन्ना दा माना इको ही होया करता है, लेकिन अन्ना दरम्यान कलाम अंदर अन्नी शुरू कलाम अंदर को गल शुरू होंगी पई हो वे ते इन्नी आएगा या इन्ना आएगा, जैसे इन्नल्लाहा दरम्यान कलाम के अंदर एक गल पूरी होगी दूसरी शुरू होंगी है, स्टाप तो बाद फिर इन्ना ही आएगा और दरम्यान कलाम के अंदर आएगा तो अन्ना आएगा। इतने भी अल्लाह ने इन्नी सुबहान अल्लाह गल पहली खत्म हुई, अल्लाह करीम ने जनाब जी पहली पहली बात शुरू होंगी है तो इन्नी नाल शुरू होएगी, इतने बात जारी और सारी। फरमाया इज यूही ربك إلى الملائكة إلى الملائكة أني معكم। फरमाया सोनिया मैं तुहाडे नाल सां, ये नहीं मतलब कि वही करदा पे अल्लाह मसरूफ है तुहानू भूल गया होवे, क्यों जी
वही कर रहा सी जो फरिश्तियां दी तरफ सुने तेरा रब उस वेले भी तेरा रब कह रहे अन्नी माकुम मैं तुहाडे नाल सानाल सुनिया। ईमान वालिया नू अगर तुसी अपने नाल जोड़े रखोगे अपने नाल मिलाए रखोगे इन्हां नू जमाए रखोगे ते अल्लाह करीम काफरां दे दिलां दे अंदर अल्लाह अकबर अल्लाह 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 काफरां दे दिलां दे अंदर इन्हां मुसलमाना ते मोमना दा रोब डाल देगा। अल्लाह कहंदा मैं रोब डाल देंगा इन्हां काफरां दे दिलां ते तुहाडी जनाब रोब तुहाडा दा रोब दाब तुहाडी पूरी दी पूरी सिपरत ते ताकत दा डर पैदा फरमा देंगा। अल्लाह ने वादा कीता है क्यों जी अल्लाह दा वादा कदी गलत है बोलो अल्लाह वादे की खिलाफवर्जी करता हुण मुसलमाना दे उते उन्हां दा रोब पिया खड़ा है क्यों जी रोब काफरां दा रोब मुसलमाना ते डाल दिता गया है इस तो वड्डी रसवाई की हो सकती है इज्जत ये ना रब नाल ताल्लुक इंज दा जोड़ कि अल्लाह काफरां दे दिलां च तेरा रोब डाल देवे क्यों जी तेरा दबदबा होवे उन्हां दे दिलां ते हुण उन्हां दा साडे उत्ते क्यों जी जिहड़ा भी मुसलमान है वह उन्होंने मिन्नतां करदा है तरले करदा उन्होंने इशारियां ते चलदा क्यों जी वोट साडे कोलों लैणे ते सानी है जी नोट भी साडे कोलों लैणे है जी दिखाई भी मर्जियां आप की जानियां ते जनाब हाँ जी बात सारे का सारा प्लैन चलना ते बाहरों तैयार होना है जी इन्हां काफरां यहूदियां ते ईसाइयां की बात मन्नी जानी है अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह इहदा मतलब है साडा रब नाल ताल्लुक कमज़ोर हो गया वरना अल्लाह अपने वादे की मुखालफत नहीं जे करदा इस वास्ते अल्लाह करीम ने फरमाया हाँ का मामला तुहाडा मुसलमाना दा उल्ट जो हो गया है अल्लाह अकबर अल्लाह 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 सोनिया बात समझ लै जरा गौर नाल बात नू समझ इस वास्ते ते अर्श वाले ने ऐलान फरमाया है इन अल्लज़ीन आमनू व अमिलुस सालिहात फरमाया ओ लोग जड़े ईमान ले आए और नेक अमल साले अमल कीते ने उन्हां लोगों के बारे अंदर अल्लाह करीम ने फरमाया सया जालू लहुमुर रहमानु वुद्दा फरमाया अल्लाह करीम अन करीब ओना दे अंदर ओना वास्ते रहमान ना जेड़ा अन करीब मोहब्बत डाल देगा मोहब्बत पैदा फरमा देगा लाहुम उनके लिए सुबहान अल्लाह जेड़े ईमान ले आए ने लाहुम जमा है ना उनके लिए जो ईमान लाए नेक अमल कीते ने हुण बस वक्त आया के आया सोणियो अल्लाह ने वादा जो फरमा ले सयजअलुहुमुर रहमानु अल्लाह करीम उन्होंने दिलों के अंदर मोहब्बत डाल देगा आपस अंदर प्यार दे निजाम ते मोहब्बत दे एक दूसरे नाल अल्लाह की रजा वास्ते मोहब्बत कीता कर इस वास्ते ते अर्श वाले फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुवी وعدوكم أولياء अल्लाह करीम फरमा रहे ने ईमान वालो ना बनाया जे ला तखिज़ू ना पकड़िया जे की मतलब ना बनाया जे जी बेली दोस्त औलिया कहते ने दोस्त और बेली नू जेड़ा अदुवी वअदुवकुम जेड़ा मेरा दुश्मन तुहाड़ा दुश्मन वाह जी वाह सुबहान अल्लाह अल्लाह ने फरमाया मेरा दुश्मन और तुहाड़ा जेड़ा दुश्मन है ओदे नाल दोस्ती नहीं पानी क्यों जी रब नू गालां कढ़न वाला अल्लाह का दुश्मन है कि नहीं
मोमिन बंदा नहीं पाए नहीं डालेगा। अगले मुकाम ते सूरह मुजादला दे अंदर अल्लाह ने 22 नंबर आयत अंदर फरमाया ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह करीम ने फरमाया एको जा मोमिन हो सकता नहीं, इदा मफहूम है तर्जमा, वो मोमिन हो सकता नहीं जेड़ा यानी अल्लाह ते ईमान ले आने वाला आखरत ते ईमान ले आने वाला मोमिन वो नहीं हो सकता जेड़ा युवदून मन हद्दल्लाह व रसूला, जेड़ा अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल नाल जंग करदा है, अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा दुश्मन है, लड़ाई करदा है अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल नाल, फरमाया ओदे नाल प्यार करने वाला अल्लाह अकबर अल्लाह ओदे नाल मोहब्बत करने वाला ओ मोमिन नहीं जे हो सकता। अल्लाह अकबर अल्लाह ओ बंदा जी जी मेरे प्यारे वीर अल्लाह करीम ने ऐलान फरमाया जे नाल अर्श वाले ने कमाला ही कर दितियां सोनिया। अल्लाह ने मेरे नबी नु मुखातिब करके फरमाया जनाब अल्लाह ने सोने अंदाज नाल सूरत तौबा दी आयत नंबर 24 दे अंदर बड़ा ही प्यारा मसला बयान फरमाया। अल्लाह ने फरमाया कुल कह दीजिए ये मेरे महबूब पैगंबर मेरे नबियां दे सरदार पैगंबर मेरे लाट और चहेते पैगंबर फरमा दीजिए। अल्लाह मैं की आखा फरमाया कुल इन कान आबाउकुम قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله। अल्लाह ने तिन्ना चीजा कठा बयान फरमाया, फरमाया सुन लो तुम्हारे अबाओ अजदाद तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई जिस तरतीब ना रिश्ते बनते हैं पहले माँ बाप का होंगे ना और बाद अंदर जनाब बेटे भाइयों नालों बेटे ज्यादा करीब बेटियां का जिक्र बाद अंदर भाइयों का जिक्र ए तो बाद नंबर आता है अज़वाजुकुम तुम्हारी बीवियां व अशीरतुकुम तुम्हारे रिलेटिव तुम्हारे रिश्तेदार। वो फरमाया नाल ही फरमाया व अमवालुन इक्तरफ्तुमू, वैसे अल्लाह दे कुरान की तरतीब ते के रिश्तेदार पहले ते माल बाद हूँ सारे जहान नालों माल पहले आ गया हर सारिया तरतीबा ही असी लोग उल्ट कर दिया लेकिन कुरान की तरतीब के मुताबिक गल ओ सही उवे चलिया जाए। बरकैफ अल्लाह ने फरमाया यानी रिश्तेदार तुहाडा माल जिहदे मंदा होण दा तुहानू डर है जनाब जो माल जिहड़ा जमा कर करके रखते हो वो तजारत जिहड़ा जिहदा जनाब घाटा पैण तो जिहदे खसारे तो तुसी डरदे रहिंदे हो वह मसाकिन तरज़ौना खा और वो जिहड़ियां बिल्डिंगा मकान रहन दे जा रहशी जनाब जेड़े तुहाडे घर बार जेड़ियां कोठियां ते बंगले इतने सोने सोने बना के जेदे नाल तुसी खुश हुंदे रहंदे हो अहब इलैकुम अगर ज्यादा तुहानू महबूब होण मिन अल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीली यानी अल्लाह नालो अल्लाह दे रसूल नालो अल्लाह दी रां दर जिहाद नालो अगर इन लोगा नाल प्यार ज्यादा हो जाए फता रब्बसू हत्ता यती अल्लाह बी अम्री ते फिर इंतजार करो अल्लाह दे अजाबां दा। नाल ही अल्लाह फरमाया वल्लाहु ला यहदिल कौम अल फासिकीन
अल्लाह एहो जे फासका नूं कदी हदायत नहीं जे देंदा। हुण गल समझ आई सोणिया, अपने मां बाप दी गल कीती गई है ना, हां जी, फिर भी तेनूं बात समझ नहीं आंदी। हालांकि ईमान वाला वो हुंदा है। अल्लाह करीम ने फरमाया सूरह बकरा दी आयत नंबर 165 अंदर फरमाया, वल्लज़ीन आमनू अशद्द हुब्बल लिल्लाह। ईमान ते उहदे अंदर ना जेड़ा अल्लाह दी मोहब्बत अंदर ज्यादा सख्त होवे। ये माल रिश्तेदारियां की होंदियां ने, अल्लाह नाल मोहब्बत अंदर बड़ा ही सख्त होवे। इस वास्ते अल्लाह करीम ने फरमाया, एक है जनाब ईमान वाले दी सिफत, और नाल ही फरमाया सूरह अल मुमताहिना दी जड़ी जनाब आयत में खुतबे अंदर भी पढ़ी है, वो बयान करने तो बाद अर्श वाले फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء नाली फरमाया अर्श वाले ने, تلقون إليهم بالمودة फरमाया जेड़ा मेरा दुश्मन ते तुहाडा दुश्मन है, उन्हों तुसी जनाब जेड़ा दोस्त बनांदे हो, कल्ला दोस्त ही नहीं, तुलकून इलैहिम बिल मुवद्दा, तुसी उन्हां दी तरफ दोस्ती दे पैगाम खलदे हो। खलदे मुबारकबाद दे दे ना, देणगे कई लोग पता ही नहीं है जी, उवें मुसलमान सिर्फ ना दा ना लिखाया होया कि मैं मुसलमान हाँ, है जी, ते दोस्ती। अल्लाह ने फरमाया हालांकि मेरा दुश्मन तो आड़ा दुश्मन, उन्होंने दोस्त दिली दोस्त बनाना नहीं चाहिए। अगर कोई काम कार है बस ठीक है, दिली तौर से दोस्त बताना है जी, दिली तौर से दोस्त नहीं बनाना चाहिए, लेकिन तुसी दोस्त भी बना छड़िया है, हालांकि वह तेरा दुश्मन है, दुश्मन नु दोस्त बनाया होया, रब दे दुश्मन नु दोस्त बनाया होया। और नाल फरमाया हाँ जी, इत्थे ही बस नहीं, उन्होंने मोहब्बत दे पैगाम ही गलांदे हो, उन्होंने जनाब है जी अल्लाह दे बागियां नु तुसी मुबारकबादां भी देंदे हो। ठीक है ठीक है, दा मतलब है हल्ला शेरी देना, एदा मतलब है क्रिसमस डे दे उत्ते मुबारकबाद भेजना, एदा मतलब है कोई बनता ठीक है ठीक है, बड़ा चंगा काम कर दे हो, कड़ी जो गाला अल्लाह नू, ऐ रब नू मनन वाला, इहदा मतलब एहो ही सीधा सीधा बनेगा कि रब नू गाला कड़ी जो, है जी, तुहानू असीं मुबारकबाद दिंदे हां, अस्तगफिरुल्लाह माद अल्लाह वाह, है जी, वजा में हो तुम नसारा तो तमद्दुन में हनूद, ऐसे लोगों के लिए कहा था, वजा में हो तुम नसारा तो तमद्दुन में हनूद, ये मुसलमान है कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद, आदि मुसलमानी रहेगी सुनिया। इधर वेखी जरा थोड़ी जी बात अगे चलाइए, अल्लाह करीम ने फरमाया सूरह तौबा दी आयत नंबर 23 आ गई जे, इत्थे भी अल्लाह फरमाया, अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया, तू ते काफरां ते साईयां नूं अल्लाह दे बागियां नूं अपना दोस्त बना लिया है। अल्लाह कहिंदा है, अल्लाह ना बनाई दोस्त अपने आबा नूं, यमी वालदैन आ गए इख्वानुकुम, और फरमाया अल्लाह करीम ने आबाकुम व इख्वानकुम औलिया, औलिया बना दा दोस्त है जी, वली दी मैं जमा औलिया, उन्हां नूं दोस्त ना बनाया जे ईमान वाले हो, तुसी अपने एको जे वालदैन नूं एको जे भाइयां नूं दोस्त नहीं बना सकदे। जेड़े ईमान ते कुफर नू तरजीह देंदे ने, अल्लाहु अकबर, और तुहाडे चो ओ बंदे जेड़े उन्हां दे नाल दोस्ती रखदे ने, उन्हां नू उन्हां दे नाल तवालत ते मोहब्बत रखदे ने, या तवल्ला गुम व मैं या तवल्ला
हुम मिनकुम जेड़ा भी तुहाडे चो एको जे वालदैन नू एको जे भाइयां नू दोस्त रखेगा फरमाया फउलाइका हुमुज़्ज़ालिमून एको इते लोग ने जेड़े सालिम ने। लो तेरा मां बाप क्यों ना होवे है जी अल्लाह दे दुश्मन नाल मोहब्बत करने वाला जी जी सोने आ। हाँ जी कुफर नू इस्लाम ते ईमान ते तरजी ईमान भुल जाना है जी कुफर नू तरजीह देने वाला कुफर नू जनाब सपोर्ट करने वाला आ हुण जरा तर्जमा इतफाक नाल सही हो गया जरा समझ आ सकता है यानी ईमान दे मुकाबले अंदर जरा कुफर नू पसंद करता है कुफर नू सपोर्ट करता है फरमाया व मन यतवल्लहु मिनकुम तुम में से जो भी उनसे ऐसे माँ बाप से ऐसे भाइयों से दोस्ती रखेगा फउलाई ओ जालमा जो हो गया क्यों जी गल समझ आ गई ना। हुण मेरे प्यारे भाई थोड़ी जी बात और सुन लो सही बुखारी शरीफ दी हदीस है मेरे तेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद कह दो बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी ने फरमाया जिस बंदे दे अंदर तीन चीजा पैदा हो जान वजद हलावतल ईमान ओ ईमान दी मिठास नू पा लैंदा है ईमान दी हलावत नू ओ पा लैंदा जिहदे तीन खसलतां हो जान। पहली खसलत अल्लाह नाल इंज दी मोहब्बत होवे और अल्लाह दे रसूल नाल यानी अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल नाल एको जी मोहब्बत होवे किसे होर नाल इंज दी मोहब्बत होवे ही ना। अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल नाल एहो जी मोहब्बत कर इंज दी मोहब्बत होवे जिस बंदे च होर किसे नाल भी एहो जी मोहब्बत ना होवे। हैं जी जनाब एक बात दूसरी चीज दूसरी खसलत जिस बंदे नाल मोहब्बत रखे ओ अल्लाह दी खातर महज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वास्ते है दूसरी खसलत है। तीसरी खसलत एक है के कुफर दे अंदर वापस लौटने नू इतना बुरा जाने के जिवें अग विच सुटे जाण नू बुरा मनदा है बुरा जानदा है एवें बुरा जाने कुफर अंदर वापस लौटने नू जदों तीन खसलतां पैदा हो गईयां वजद हलावतल ईमान ईमान दी हलावत मिठास तेनू महसूस होएगी। आहा हाँ जी ईमान जनाब ईमान दी हलावत महसूस होएगी तेनू के तेरे अंदर ईमान है। अल्लाह अकबर बुखारी शरीफ दी गौर नदी समात फरमा लो जदो अल्लाह किसे बंदे नाल मोहब्बत करदा सुने आ जे बुखारी शरीफ अंदर हदीस मौजूद है अल्लाह किसे बंदे नाल जदो मोहब्बत करदा है अल्लाह हजरत जबरील नू बुलांदे ने जबराइल अलैहिस्सलाम जबराइल भी ठीक जबरील भी दोनों तरीकों नाल यानी हजरत जबरील नू बुलांदे ने अल्लाह कहंदा इन्नल्लाह अल्लाह कसम चुक के कहंदा अल्लाह कहंदा बेशक मैं फलां बंदे नाल मोहब्बत करना जबरील तू ही ओदे नाल मोहब्बत कर। हजरत जबरील भी अल्लाह दे कहण ते उस बंदे नाल मोहब्बत करदे ने फिर हजरत जबरील आसमान वालिया दे अंदर ऐलान करदे ने लोगो अल्लाह फला बंदे नाल मोहब्बत करदा है तुसी भी ओदे नाल मोहब्बत करो वह भी फरिश्ते मोहब्बत करदे ने फिर अल्लाह इस मोहब्बत नू जमीन ते फैला देंदा है। आहा सुभान अल्लाह ते सही मुस्लिम शरीफ दी हदीस है कि एक बंदे नाल यानी जेड़े बंदे नाल अल्लाह बुगद रखदा है अल्लाह दुश्मनी अपने दुश्मन अल्लाह दुश्मनी रखदा है हाँ जी अल्लाह बुगद रखदा है अल्लाह हज़रत जबरील नू बुलांदे ने जबरील
ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਕੀ ਨਹੀਂ ਇਨ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਨਾ ਆਇਆ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੁਗਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਬਰੀਲ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਗਦ ਰੱਖ ਸਹੀ ਮੁਸਲਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰੀਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਗਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰੀਲ ਆਸਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਗੋ ਅੱਲਾ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੁਗਦ ਰੱਖਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਗਦ ਰੱਖੋ और वह भी वो सारे फरिश्ते आसमान दे बुगद रखते ने फिर उस बुगद नू अल्लाह जमीन ते भेज देंदा है जमीन ते उदे बारे अंदर फैला देंदे ने इस वास्ते मेरे प्यारे वीर अल्लाहु अकबर एवें ते नहीं अल्लाह करीम ने फरमाया हामीम सजदा दे अंदर 331 नंबर आयत अल्लाह फरमाया इधर को फरिश्ते की आखते ने ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إذا ترجمة بار بار سنیا تے جان دیو اگے اللہ فرمایا ہاں جی نحن أولياؤكم في الحياة दुनिया व फिल आखिरा जेडे रब्बुन अल्लाह कह के निभा देंदे ने मुख्तसर खुलासा अल्लाह कहंदा है असी उन्हां दे दोस्तां दुनिया विच वी ते आखरत अंदर वी दोस्तियां पक्कियां लग गई दुनिया च भी उन्होंने बेलियां सी दुनिया च भी उन्होंने वलियां हाँ जी उन्होंने दोस्त हाँ दुनिया च भी साढ़े वो दोस्त अल्लाह अकबर आखरत अंदर भी दोस्त ने ना असी लोगो क्रिसमस डे क्यों नहीं जे मनाते अल्लाह और दे रसूल ने मना जो फरमा छड़िया है क्यों जो दो ईदा इस्लाम अंदर ईद उल अज़हा ते ईद उल फितर दो ईदा आ गई बाकी गल जे लोग उन्होंने नाल देने उन्होंने जैसे काम करते ने सपोर्ट करते ने इस हदीस नु सुन लैन मन तशब्बा बिकौमिन फगुवा मिनहुम जेड़ा जेड़ी कौम नाल मुशाबत करेगा उन्हां दे नाल दा ही होएगा ना इतनी बड़ी वईद फरमाई इस जनाब डे नूं मनाने वाले वास्ते मैं तर्जमा सिर्फ तर्जमा करां सूरत निसा दी आयत नंबर 144 जाके खुद मुतालिया करना अल्लाह करीम ने फरमाया जेड़ा काफरां नूं दोस्त बनाण वाला है अल्लाह वास्ते उन्हें एक हुज्जत कायम कर छड़ी अल्लाह नू दलील दे छड़ी अपने खिलाफ अपने अल्लाह अकबर अल्लाह 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 अपने खिलाफ अल्लाह वास्ते एक हुज्जत कायम करती जड़ा इन्हां काफरां ते मुशरकां नू रब दे बागियां ते नाफरमानां नू अपना दोस्त बनांदा है यह है जे सूरह निसा दी आयत नंबर 144 का खुलासा और नाल ही फरमाया ये क्यों नहीं जे असी डे मनांदे क्रिसमस डे क्यों नहीं मनांदे क्यों जो इहदे अंदर शिरक है शिरक इस लफज अंदर ही शिरक है अल्लाह करीम ने मना फरमाया शिरकत करने तो सख्त अज़ाब दी वईद सुनाई है अल्लाह करीम ने सूरत अल मायदा दे अंदर दूसरे नंबर दी आयत अंदर फरमाया है अल्लाह फरमाते हैं वला तअबनु अलल इस्म वल उदवान बुराई दे गुनाह दे कम्मा ना फरमानी दे कम्मा दे अंदर किसे नाल तावल ना करो वत्तकुल्लाह अल्लाह को डरो इन्नल्लाह शदीद العقاب अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है सख्त सजा देने वाला है अगर उन्होंने नाल इस तरह प्यार ते मोहब्बत दिया पींगा पाओगे अल्लाह सख्त अजाब देगा ते जनाब इस पुरफितन दौर अंदर फिर सानू की करना चाहिए सोने हैं जी ये भी बुखारी शरीफ की हदीस है हजरत जुबैर बिन आदि हैं जी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े ताबी कहें असी हजरत अनस को गए तो हजरत अनस नू हालात दे बदतर बुरे हालात होने की ना असी जनाब शिकायत की कि हालात बुरे ते हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते ने रज़ी अल्लाह तआला कहंदे ने मैं तुहाडे महबूब मुहतरम नबी पैगंबर दी तुहानू गल ना दसा अल्लाह दे प्यारे नबी फरमा रहे सन कि इस बेरूफ इन्नहू सबर करया जे क्यों जो
इहो जिहा जमाना, क्योंकि साढ़े इस तो बाद है जी बुरे तो बुरा जमाना, पहले जमाने तो दूसरा जमाना बुरा आएगा, तो उस जमाने के अंदर सबर करना है किन्नी देर तक, इस बेरूह इस बेरूद आ गया तब पै रहा है, इस बेरूह कितनी देर तक सबर करना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया हत्ता तलकौ रब्बकुम, हत्ता के तुम अल्लाह से जा मिलो, अपने मरण तक अपने वफात तक तुसी सबर करना है, फिर काल नहीं जल्दबाजी नहीं करनी, अल्लाह नाल शिरक नहीं करना, शिरक वालियां दे पुरफितन दौर अंदर सबर नाल अलग हो के रह लिया जे, किधरे कल्ले होके रह लिया जे, अपना ईमान बचा के ले जाना है। ऐ जी हम क्रिसमस डे क्यों नहीं मनाते, सुभानकल्लाहुम्मा।